ग्रामर बच्चों में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सरल टॉपिक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप हमेशा डेली की दिनचर्या में इस्तेमाल करते होंगे, तो आप करते भी होंगे तो आपको कैसे बोलना है ये आपको बताऊंगी। ठीक, देखिए लिस्ट ऑफ फ्रेजेस इन हिंदी एंड इंग्लिश। मैं अभी आ रहा हूँ तो कैसे बोलेंगे, जस्ट कमिंग। ठीक, जैसे फोन पे नहीं बोलते हैं बच्चों की हाँ कब आ रहे हो, तो मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक, और बहुत अच्छा को क्या कहते हैं, एक तो गुड बोलते हैं अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा को क्या बोलेंगे, वेरी वेल। वेल ठीक, अच्छी बात है, वेरी गुड, जैसे आपकी मर्जी। ये भी कई बार कॉमनली यूज होता है, एज यू लाइक। ठीक, एज यू प्लीज। ओके, फिर बोलेंगे और कुछ, तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग एल्स। फिर बस रहने दो, दैट्स इनफ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, ये भी अपन कभी कभी कर ही देते हैं, तो थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ठीक है, ओके ओके तो आप लोगों को पता है कि ओके मैम लिखते हैं ना, ओके सर, अच्छा ठीक। क्यों नहीं को क्या बोलते हैं, वाई नॉट। ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। फिर ध्यान रखना, तो टेक केयर, टीस। ठीक, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। ठीक, फिर यस बाय ऑल मींस, हाँ जरूर, बहुत है, दिस इज टू मच। ठीक, यस हाँ सर, यस सर, नहीं कभी नहीं, तो नो नॉट, नॉट एट ऑल, हाँ कोई बात नहीं, तो क्या होते हैं, नेवर माइंड या डजंट मैटर। और कुछ नहीं तो नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं तो नथिंग स्पेशल। आइए, आइए को तो आपको पता है क्या बोलते हैं, वेलकम। शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस देखिए, मैं समझ गया तो क्या लिखते हैं, आई सी। मैं अविवाहित हूँ, ठीक, अविवाहित को सिंगल कहते हैं, तो आई एम सिंगल। क्यों, हूँ मैं मतलब आई है ना, हूँ मतलब एम, हाँ, और अविवाहित को सिंगल, तो ये आई एम सिंगल। ठीक, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, हाँ आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ है ना। फिर मैं छोड़ता हूँ, आई क्विट। जैसे कोई ग्रुप को अपन को अलग करना, डिलीट करना या क्विट करना, तो बोलते मैं खो गया हूँ, आई एम लॉस्ट। फिर मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम या आई एम होम। ठीक, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। मैं मना करता हूँ, आई डिक्लाइन। समय समाप्त, ठीक, तो टाइम इज अप, जाने दो, लेट गो। ठीक है, इतना समय यानी सो लॉन्ग। फिर मजे करो, हैव फन। ठीक, मैं भी ऐसा ही करूं, तो सो डू आई। तो कितना, कितना मतलब कितने का है, तो क्या बोलेंगे, हाउ मच है ना, तो ये, और कितने, कितने का है तो हाउ मैनी है ना, मैनी और मच। आपके बाद, आफ्टर यू, ठीक, पहले आप, यू फर्स्ट। फिर मेरी दावत, माई ट्रीट, सौभाग्य यानी गुड लक बोलते ही हमेशा। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, पर रहने भी दो यानी पॉकेट। ठीक है, ये शब्द है आपको तैयार करने। फिर इंग्लिश टू हिंदी है, तो पहले हम हिंदी में देखेंगे कि हम टैक्सी कर लेंगे। ठीक है, क्या है हम, ये उसको हिंदी में कह लेंगे, कैसे लिखेंगे, वी विल हियर अ टैक्सी। फिर तैयार हो जाओ, गेट रेडी। अभी मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी एट द मोमेंट। ठीक, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। ठीक, तुम कब फ्री हो जाओगे, व्हेन यू विल यू बिकम फ्री। फ्री वैन मतलब होता है कब, विल मतलब जाना, जाओगे। ओके,
फिर मैं आपको हंसा रहा हूँ तो आई एम मेकिंग यू लाफ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो आई एम रीडिंग यू इंग्लिश. बच्चों होमवर्क है, रीड दिस मैटर एंड प्रैक्टिस ऑल्सो. फर्स्ट है, सेकेंड राइट द करेक्ट द स्पेलिंग इन योर कॉपी 10 times. आपको जो सही स्पेलिंग है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है ना, सही स्पेलिंग लिखिए ठीक. और मैटर जो आज पढ़ाया था वो आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की, स्पीक यानी बोलना है ना, तो आपको तब समझ में आएगी ठीक. तो हमेशा प्रैक्टिस ही करते रहिए. थैंक यू सो मच.